And two men are in jail this morning, including an up-and-coming Florida rapper. Both men are charged in a double murder. When two members of Melly's crew, NYW Sack Chaser and NYW Juvie, were killed in an alleged drive-by, some noticed that many of the lyrics from Melly's hit Murder on the Mind seemed to relate to the killings, despite the fact that Murder on My Mind was recorded 2 years before the shooting. Once you play with Melly to a certain extent, Melvin just don't like that. Melvin on your ass. Wake up in the morning, I got murder on my mind. Didn't even mean to shoot him, he just caught me by surprise. Jamel Morris Demons, popularly known as YNW Melly. और जब तुम ये वीडियो पूरा देख लोगे तो इनके नाम के लास्ट में जो डीमन है वो तुम्हारे लिए कंप्लीट सेंस बनाएगी। इनके क्रू YNW के डॉक्यूमेंट्री के सक्सेस के ठीक कुछ दिन बाद इनके क्रू के दो लोगों को गोली मार दी जाती है। YNW मेली को इस शूटिंग में इन्वॉल्व होने के लिए अरेस्ट किया जाता है। मेली इसके लिए पोटेंशियल लाइफ इन प्रिजन फेस कर सकते हैं एंड इवन ही कैन गेट डेथ पेनल्टी फॉर मर्डरिंग हिज टू क्लोज फ्रेंड। और यहाँ पे एक सबसे सरप्राइजिंग चीज ये है जो इस स्टोरी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। बहुत सारे लोगों ने ये नोटिस किया YNW मेली के हिट ट्रैक मर्डर ऑन माई माइंड के जो लिरिक्स थे वो बहुत ज्यादा सिमिलर थे या फिर वो मैच कर रहे थे YNW मेली के फ्रेंड्स की जो शूटिंग थी उस इंसिडेंट से। Murder on My Mind is about Melly shooting a close friend and watching him die in his arms. और ये जो गाना था Murder on My Mind, ये शूटिंग से 2 साल पहले ही रिकॉर्ड हो गया था। सो मेली ने इस इंसिडेंट को अपने गाने में पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था। सो अगर मेली कन्विक्टेड और गिल्टी फाउंड हो जाते हैं तो ये हिप हॉप हिस्ट्री का किसी भी रैपर का किया हुआ सबसे ज्यादा मिलीशियस एक्ट बन जाएगा। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट YNW मेली एंड हिट सॉन्ग मर्डर ऑन माय माइंड। कैसे YNW मेली के अल्टर ईगो रियल लाइफ से रियल लाइफ में आ गए जिसकी वजह से उन्होंने अपनी क्लोज फ्रेंड अपने क्रू के मेंबर्स को मार दिया। और इस वीडियो का आइडिया मुझे तब आया जब मैंने तलहा अंजुम और काम के लेटेस्ट कोलैबोरेशन ट्रैक जिसका नाम है नेवर माइंड उसको सुना। सो इस ट्रैक के पहले बार में तलहा अंजुम मर्डर ऑन माय माइंड और YNW मेली का नेम ड्रॉप करते हैं। मर्डर ऑन माय माइंड जैसे मेली में सिविल में गवर्नमेंट भेजे मेनी मैन। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तुम उसका कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। यादों में तेरी मैं तन्हा सा होकर हूँ खोया, मैं रोया यूं खाके ये ठोकर। गाने का नाम है तेरी यादों में और आर्टिस्ट है AK सैम। तो भाई के साइड से हमें एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल और सैड ट्रैक देखने को मिला है। ओवरऑल गाना बहुत अच्छा है, लिरिक्स बहुत अच्छी है। सो मैंने इस गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना। और भाई ये गाने में जाकर कमेंट ड्रॉप कर देना तो रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, लाइक बहुत सही काम है, बढ़िया काम है, ठीक है। तो तुम अपना फीडबैक दे सकते हो, तुम्हें ट्रैक कैसा लगा, और अगर तुम चाहते हो भाई कहीं पर इंप्रूव करे, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो भाई को, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, भाई को सपोर्ट करो, बिल्कुल सपोर्ट डिजर्व करते हैं। सो भाई और भी गाने फ्यूचर में निकालेंगे। YNW मेली की जब बर्थ हुई थी तो उनकी माँ उस टाइम पे सिर्फ 14 साल की थी। YNW मेली को अपने फादर के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि उनके फादर एक्चुअली कौन है। मेली की माँ की एज बहुत ही ज्यादा कम थी जिसकी वजह से मेली की माँ ने जब मेली छोटे थे उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया। मेली जब 9 से 10 साल के आसपास के हुए, जिस टाइम पे बच्चों के हाथ पे टॉय गन्स होती है, उस टाइम पे मेली के हाथ में रियल बंदूक थी। I was only in 4th grade but I took that bitch everywhere, the school, I took that bitch everywhere. और मेली के बचपन में मेली के साथ एक इंसिडेंट हुआ था जब उन्होंने अपने अंकल के घर से रिवॉल्वर निकाल के फायर कर दिया था और उस फायर की वजह से वो एक हफ्ते तक सही से सुन नहीं पा रहे थे। पर उन्हें वो गन का साउंड बहुत ही पसंद आया और उसके बाद से वो गन वो हर दिन कैरी करने लग गए। और जैसे मेली की एज और ज्यादा बढ़ती गई
वो स्ट्रीट के साथ जुड़ते चले गए एंड इवन वो ब्लड गैंग से भी एसोसिएट हो गए। और इन सब चीजों के अलावा मेली को म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक था और वो उस टाइम पे माइकल जैक्सन और क्रिस ब्राउन जो उस टाइम पे बूम कर रहे थे उन्हें सुना करते थे। 2014 से मेली ने अपने गाने रिकॉर्ड करने स्टार्ट कर दिए और वो उनको साउंड क्लाउड में अपलोड किया करते थे। इन्होंने अपने नाम के आगे YNW लगाया और इन्होंने अपना क्रू भी फॉर्म किया जिसका नाम था YNW मेली, जूवी, सैक चेजर एंड बोरलैंड, ये इनके ग्रुप के मेंबर्स थे। October 19, 2015 मेली ने स्कूल के बाद अपने ऑटोमेटिक वेपन से 3 लोगों के ऊपर फायर कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद मेली ने वेपन छुपाने की भी कोशिश की बट मेली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और इसकी वजह से मेली के ऊपर मल्टीपल चार्जेस लगाए गए। सो दिस वाज जस्ट द बिगनिंग। जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, इनके नाम में जो डीमन है वो तुम्हारे लिए सेंस बनाएगी। मेली को बाइपोलर डिसऑर्डर था जिसकी वजह से उनके अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज एक साथ एग्जिस्ट करती थी। मेली को उसके बाद जेल भेज दिया जाता है और ये वही टाइम था जब मेली ने जेल के अंदर अपना ब्रेक थ्रू हिट ट्रैक मर्डर ऑन माई माइंड लिखा था। जेल के अंदर से ही YNW मेली ने अपना पहला प्रोजेक्ट ड्रॉप किया जिसका नाम था कलेक्ट कॉल। पर ये प्रोजेक्ट उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। जब मेली के जेल के टर्म्स खत्म हो गए, मेली ने वापस स्टूडियो में जाके जितने भी गाने उन्होंने जेल में लिखे थे उन सबको रिकॉर्ड किया। सो मर्डर ऑन द माइंड स्टार्टिंग में उतना वायरल नहीं हुआ था और उसे उतने व्यूज नहीं मिले थे, पर धीरे धीरे YNW मेली जो है वो फेमस हो रहे थे क्योंकि इनकी जो रैपिंग स्टाइल थी और इनके गानों की जो मेलोडी थी वो बहुत ज्यादा कैची थी। 2018 तक YNW मेली एक बहुत ही पॉपुलर नेम बन चुके थे। मेली के मल्टीपल सॉन्ग्स बिलबोर्ड चार्ट में रैंक कर रहे थे एंड इवन हमें मेली का कान्ये वेस्ट के साथ भी कोलैबोरेशन देखने को मिला। सो अभी तक मेली के लिए चीजें सही चल रही थी, पर इसके बाद जो होने वाला था इसकी वजह से मेली का पूरा ही करियर खत्म होने वाला था। YNW मेली अपने बाकी क्रू मेंबर के साथ रात को स्टूडियो से गाना रिकॉर्ड करके वापस जा रहे थे। मेली अपने 3 फ्रेंड्स के साथ एक ही कार में थे और साइड से एक कार आती है जहां से गोली चलाई जाती है और उनके फ्रेंड सैक चेजर और जूली को गोली लगती है और हॉस्पिटल ले जाते ही उनकी डेथ हो जाती है। अगले दिन मेली सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के लिए और इस शूटिंग से रिगार्डिंग इमोशनल पोस्ट करते हैं। इसके बाद मेली की लाइफ फिर से नॉर्मल चलने लग जाती है। वो अपने गाने रिलीज कर रहे होते हैं और कॉन्सर्ट्स और टूर करते हैं। बट जब मेली अपने लाइफ में बिजी थे, स्टेट फ्लोरिडा मेली के खिलाफ एक केस तैयार कर रही थी। सो मेली और उनके दोस्त ने जो स्टोरी बताई थी कि उनके दोस्तों को ड्राइव बाई शूटिंग में मारा गया था, वो गलत था। पुलिस के अकॉर्डिंग रियल स्टोरी कुछ ऐसी थी एंड दिस वाज कंप्लीटली शॉकिंग। YNW के चारों मेंबर रिकॉर्डिंग स्टूडियो छोड़ते हैं और YNW ने जो रूट स्टार्टिंग में पुलिस को बताया था वो उस रूट पे नहीं जाते हैं, वो किसी डिफरेंट रूट से जा रहे होते हैं। और फोरेंसिक रिपोर्ट में ये आया कि उस टाइम जो शूटिंग हुई थी उस समय उस गाड़ी के अलावा उसके आसपास और कोई भी गाड़ी नहीं थी। और पुलिस ने ये बताया कि मेली ने अपने एक और फ्रेंड के साथ अपने बाकी 2 दोस्तों को, अपने क्रू मेंबर को खुद गोली मारा था। पहले उन्हें गोली मारी गई और फिर बाहर से YNW मेली ने गाड़ी पे गोली चलाया कि देखने में ऐसा लगे कि ये ड्राइव बाई शूटिंग का केस है। और अब यहाँ पे आती है बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी। ये जो स्टोरी है ये YNW मेली के ट्रैक मर्डर ऑन माई माइंड से बहुत ज्यादा सिमिलर है। सो मेली अभी फिलहाल जेल में, उनके ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं। बोला ये जाता है कि मेली को लाइफ टाइम प्रिजन या फिर डेथ सेंटेंस भी हो सकती है, पर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मेली अपने इन चार्जेस से एस्केप भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी एग्जैक्टली क्या होता है और इस केस का क्या रिजल्ट आता है, ये हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। सो मिस्टर डीमंस, यू आर फेसिंग 2 काउंट्स ऑफ प्रीमेडिटेटेड मर्डर एंड द कोर्ट डज फाइंड प्रोबेबल कॉज, यू विल बी हेल्ड नो बॉन्ड। Okay, so this was it. This was the story of YNW Melly and the song Mud on My Mind. अगर तुम लोग इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो entertain हुए, do let me know in the comment. अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, make sure to subscribe the channel. चैनल को पहले से भी देख रहे हो तो subscribe नहीं किया चैनल को subscribe कर लो, अपने भाई को support करो, Instagram पे follow कर सकते हो, Discord join कर सकते हो और भी बहुत सारे link हैं, हर जगह follow कर सकते हो। और हाँ, मैं बहुत ही different topic भी explore कर रहा हूँ,
तो चांसेस ये है कि बीच बीच में तुम लोग को नॉन हिप हॉप से भी रिलेटेड टॉपिक देखने को मिलेगा, बट मैं ये गारंटी देता हूँ कि वो भी टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होगा. मतलब हिप हॉप नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि देखने लायक नहीं होगा. सो दिस वॉज इट, दिस वॉज द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट. थैंक्स. जो नहीं बड़ा था किसी को रैपर लोग कला के खेलना. मैं कला से खेलता हूँ, कला के देखना, कला को कला के टेपना, कला से कला कर काटे सर एक का कला से.